हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ, जानेंगे कौन से बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कोई दो, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाली। कोई दो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपको क्या देखने को मिल सकते हैं विद इन 10 डेज, नॉट मोर देन 10 डेज, ओके। तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको क्या मेजर दो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस दिखेंगे आपकी लाइफ में। अब ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं। तो किस एरिया में ये ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं और क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके लिए। आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपकी एनर्जी से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एनर्जी भी बताती जाऊंगी साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ही मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, ओके। जब भी यहाँ तक पहुँचेंगे आप, तो आप आराम से देख सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगी रीडिंग। तीन कार्ड्स हमारे पास आए हैं, तीनों को देखते हैं, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स आए हैं, ओके। एंड द वर्ल्ड, देखो ओवरऑल एनर्जी जो है वो है द वर्ल्ड की, नंबर 21। ये यूनिवर्स का कार्ड होता है, यानी कि यूनिवर्स का सपोर्ट, ब्लेसिंग्स हमेशा से आपके साथ ही हैं। ये चीज़ तो क्लियर दिख रही है। मुझे दो कार्ड्स और चाहिए गाइस, मैं जल्दी से ले लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि कौन से दो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर। तो ये वाली रीडिंग ना मैं एक महीने में 3 बार तो लाऊंगी, ठीक है, 10-10 दिन के गैप में। बिटर स्वीट, एंड बैलेंस, ठीक है। इम्पेशंस का कार्ड है, ओवरऑल एनर्जी यहाँ से आई है। मुझे यहाँ पे लिब्रा, पाइसेस साइन बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, लिब्रा और पाइसेस। इसके बाद गाइज यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। मुझे वाटर साइन नहीं दिख रहा, बस सिर्फ पाइसेस दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो नहीं दिख रहा, बट हो सकता है क्योंकि मेजर और खाना से ना ये वाला जो कार्ड है, इसमें स्कॉर्पियो साइन है, टॉरस भी है, ठीक है, सेजिटेरियस भी है और एक्वेरियस भी है और लियो साइन भी है, ओके। तो यस, चलिए अब साइन को छोड़ते हैं, अपनी रीडिंग पर आते हैं। कौन से दो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगे फ्यूचर में? देखिए, काफ़ी टाइम से तो दिखाई दे ही रहा था कि आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही थी, चाहे आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही थी आपकी लव लाइफ। तो ऐसा लग रहा है जैसे, देखो हमारे पास ना दो कार्ड्स हैं, डिवाइन के दो कार्ड्स हैं हमारे पास, जस्टिस एंड द वर्ल्ड। दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि यस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा आपकी लव लाइफ में ही आएगा, आपकी लव लाइफ में जस्टिस देंगे यूनिवर्स आपको। ये उनके साथ होगा जिन्होंने अपनी अपना सारा कंसर्न लव लाइफ से रिलेटेड सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स पर। तो बहुत स्पीड में चेंजेस होगा गाइस, बहुत स्पीड में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा आपकी लव लाइफ में, अगर आप सच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों की लाइफ में एकदम से चेंज आएगा, आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहेंगे और आपको कॉन्टैक्ट भी करेंगे। अब ये जो सरेंडर पिटी पर चला गया था आपका कनेक्शन, ये अब आप कॉन्टेक्ट में आओगे एक दूसरे का हालचाल पूछोगे, बात करोगे, ठीक है, और रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आएंगे आपके। तो आपके लिए एक एडवाइस है कि इस पर्सन को बिल्कुल भी चेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में होने वाला है।
आपने इस पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी थी, ना कि चेज करने की, और अपना सारा का सारा कंसर्न जो था वो सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स के पास, ठीक है। तो यस, तो अब आपकी लाइफ में, इस आपकी लव लाइफ में ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लव एरिया में, लव लाइफ में, ठीक है। और ये जितने भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट वाले हैं, कनेक्शन वाले, उनकी लाइफ में डेफिनेटली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लव लाइफ में। और ये आपको 10 दिन के अंदर अंदर ही दिख जाएगा। आपके पर्सन आपको कांटेक्ट भी कर लेंगे, तो इनके पीछे मत पड़ना, इनको चेज मत करना, समझदारी से काम लें, अपने सेवन चाक्रा पर काम करें, अपने क्राउन चाक्रा पर काम करें, ठीक है। और थोड़ा पेशेंसली, थोड़ा पेशेंस के साथ ही काम करें। डर बिल्कुल निकाल दें कि कोई रिजेक्ट करेगा ऐसा वैसा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका डिवाइन कनेक्शन है और जब यूनिवर्स भी आपके साथ हैं तो अच्छा ही होगा। और देखो यहाँ से कम्युनिकेशन का कार्ड है हमारे पास, तो आपकी लव लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को आपको मिलेगा। अब आपके लिए जो जो सेकेंड मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो है आपके वर्क एरिया में, आपके फाइनेंसेस में। अभी जो मैं देख रही हूँ आपके जो काम है, जो कारोबार है, जो भी काम आप करते हैं, बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है, कुछ भी टाइम पर नहीं हो रहा है। इनकम बहुत ज़्यादा गिर गई है आपकी, ठीक है, मतलब लॉस में जा रहे हो आप। तो पता है क्या हुआ है, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ये जो लॉस डिवाइन ने आपको दिखाया है, इवन आपने एफर्ट्स डाले होंगे बराबर, बट फिर भी आपको लॉस हुआ, क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि आप प्रॉपर बैलेंस बनाना सीखो, चीज़ों को टाइम पे करना सीखो। अभी आप ना एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये भी देख सकते हैं अपने वर्क एरिया में, आपके पास बहुत सारा काम देने वाले हैं यूनिवर्स। आपके जो भी आपका रूटीन है उसमें आपको एक दो चीज़ें और ऐड करनी पड़ेगी अपनी अर्निंग को अच्छा करने के लिए, ठीक है। साइड बाय साइड कुछ और काम भी करने पड़ सकते हैं ताकि एक तो ये डिले खत्म हो। तो लव आपकी, देखो लव लाइफ तो वैसे इंप्रूव हो रही है, बट आपके करियर में डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ नया ऐड करवाने वाले हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट, एडिशनल प्रोजेक्ट्स हो सकता है कि आपको साइन करने पड़ जाएं, कुछ एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आर्ट स्पेंड करने पड़ जाएं अपने ऑफिस में या फिर अपने जहाँ पर भी आप बिजनेस करते हैं, जो भी बिजनेस है आपका, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है ये जो कार्ड है ये भी आप कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, कुछ अपनी एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वर्क लोड गाइज आपका बढ़ सकता है आने वाले 10 दिनों में। आपको ऐसा ही फील होगा कि मेरे पास बहुत सारा काम है, और ये काम करते वक्त आप ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी इनकम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, ठीक है। जो भी फंड्स थे वो उस तरह से नहीं आ रहे जैसे पहले आते थे, तो इसीलिए आपको ज़्यादा मेहनत करवाने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन। और इनके पीछे, इस सारी बातों के पीछे डिवाइन का सिर्फ और सिर्फ एम यही है कि आप प्रॉपर बैलेंस बनाएं। हो सकता है फ्यूचर में जो लाइफ आप जीने वाले हैं वहाँ पर पूरा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो डिवाइन यहीं से ही, अभी से ही आपको आपकी लाइफ में इस प्रैक्टिस को ऐड करा रहे हैं, सो दैट फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। लव लाइफ में गाइज अगर आपके पर्सन कांटेक्ट कर लेते हैं, अगर आप बहुत टाइम से अनबन चल रही थी, कांटेक्ट अगर आ जाता है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी ये भी बताना क्या वर्कलोड बढ़ गया है। देखो वर्कलोड ऐसा भी हो सकता है कि साइड बाय साइड आप कोई और काम कर रहे हैं, तो वहाँ से पेपर वर्क, ईमेल, फैक्स, टेक्स, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप बहुत बिजी मुझे दिख रहे हैं, ताकि प्रॉपर बैलेंस बनाना सीखें, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखें, डिवाइन ये चाहते हैं आपको सिखाना। तो कुछ इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो भी हो रहा है वो आप ही की भलाई के लिए हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत सारा काम आ गया तो अब आपको परेशान होना है, नहीं, ये आपकी भलाई के लिए है, ये आप ही के लिए है। तो जो भी हो रहा है हंस के उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए लाइफ में। गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ, डू व्हाट डिज़ायर ऑफ यू, जो आपकी इच्छा है ना, जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, तो आप ना उस चीज़ पर तो आप काम कर ही रहे हो, तो परफॉर्म योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहें और पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहें। और
प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स आर रिवॉर्डेड. जितना ज़्यादा अपनी सोल को प्योर करोगे, जितना ज़्यादा डिवाइन पे ट्रस्ट करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं. आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेगी. तो पॉजिटिव रहिए. जो चैलेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके वर्क एरिया में, उसको एक्सेप्ट कीजिए. उसके लिए प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाइए. इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में ईजिली आप एडजस्ट कर सकें, ऐसे बिहेव कीजिए, ठीक है. क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएं आप, लेकिन आपकी लव लाइफ ऑटोमेटिकली इस वर्क के साथ ठीक हो रही है. क्योंकि पता है, इतना सारा काम करके, इतना अच्छे से लाइफ को मैनेज करके आप बहुत ज़्यादा वाइज हो जाएंगे. और जब आप एक मैच्योर पर्सन बनेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे, आपको चेस करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो आपका बैलेंस, जितनी जल्दी बैलेंस बनेगा उतनी जल्दी आप इस पर्सन को चेस करना छोड़ देंगे. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, ये आपके सोल एनलाइटनमेंट के लिए बहुत अच्छा है. ये जो चांसेस दे रहे हैं डिवाइन, जो इतना एक्स्ट्रा वर्क आपसे करवा रहे हैं, इसमें आपकी भलाई है, आपके कनेक्शन की भलाई है, ठीक है. आपकी पर्सनालिटी ही एनहांस हो रही है, अच्छी हो रही है. सो पॉजिटिव रहिए. आप ये मान के चलिए एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग्स अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, ठीक है. इसके पीछे डिवाइन का एक प्लान वर्क कर रहा है. सो वेट फॉर द राइट टाइम. राइट टाइम का वेट कीजिए और जितना हो सके अपनी सोल को प्योर करने की कोशिश कीजिए. आप ना, जैसे देखो यहाँ पर, देखो इस कार्ड में ना अर्जुन क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान जो भी कह रहे हैं हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मुझे काम दोगे, जो मुझे करने के लिए कहोगे, मैं उसको बिल्कुल करूँगा, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है. क्योंकि कृष्ण भगवान पर पूरा ट्रस्ट है इनको, दैट इज़ वाई. तो यस, जितना अच्छे से काम करोगे, जो आपको मिल रहा है काम, अगर आप उसे अच्छे से करते हैं तो यस, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, भगवान कृष्ण की तरफ से रिवॉर्ड दिया जाएगा. ओके, सो पैनिक नहीं होना है. आपके वर्क एरिया में जितने भी न्यू चीज़ें ऐड हो रही हैं, आप उसको ब्लेसिंग्स माने, क्योंकि ये आपके कनेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है. और यस, पॉजिटिव रहें. जो भी काम करें, हेडेक समझ के नहीं करना, प्रेशर समझ के नहीं करना, अपना कर्म समझ के करना है, ठीक है. सो ये ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत अच्छे हैं आपके लिए. आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. तो अभी के लिए बस इतना ही गाइज. Bye, take care.